हेलो एवरीवन, विशाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़न शू हॉल। बेसिकली मैंने ना शूज़, सैंडल, लोफर्स, बूट्स लिए हैं, तो आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं ना अमेज़न के और भी हॉल वीडियोज़ कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एज वेल आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना आगे आगे मुझे दिख रहे हैं, तो मैं फटाफट से बूट से स्टार्ट करती हूँ। तो ये ब्लैक कलर के बेसिक बूट्स हैं, क्योंकि ना अभी विंटर का टाइम है। विंटर में ना बूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे आउटफिट्स वगैरह के साथ चलते हैं। सो फिर मैंने ना ये पेयर ऑर्डर करा है। तो ये ना सिल्वर कैट करके कोई ब्रांड है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको बेसिक सा लेस वाला डिटेलिंग मिलता है, ठीक है। एंड साइड पे आपको यहाँ पे जिप वाला ऑप्शन भी मिल रहा है। ये ओपन होती है बट इसका कोई वर्क नहीं है इसमें, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए दिया है। ओके, सो जिप वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। मुझे ये जो बूट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी लगी, फिनिशिंग अच्छी है। बाय द वे, ये मुझे पड़ा है 599 का। तो इसमें ना मैंने 4 यूके साइज ऑर्डर करा है। सो इसमें ना गाइस, जो ये हील है ना, ये 2.5 लिखा है इंचेस, आई डोंट नो, इतना तो आई थिंक होना ही चाहिए। ये 2.5, यहाँ पे भी हील है, यहाँ पे भी हील है। तो या मुझे हील वगैरह की भी क्वालिटी अच्छी लगी। सो मैं यहाँ पे आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना आपको एक साइड पे प्लेन मिल रहा है एंड दूसरी साइड पे ये जिपर वाला पार्ट मिल रहा है गाइस। ओके, बैक वाली साइड पे आपको कुछ इस तरीके का डिटेलिंग मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ना इसमें एक कमी पता क्या लगी, दो कमी पता क्या लगी। फर्स्ट कि इसका जो सोल है ना वो सॉफ्ट नहीं है, कंफर्टेबल वाला जो होता है ना, एक फ्लफी काइंड ऑफ गुदगुदा सा, वो नहीं है इसलिए। तो अगर आपको वैसा सोल चाहिए तो आपको एडिशनल लगवाना पड़ेगा अंदर, तो वो मैं लगवा लूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, पर जब पहनते हैं ना तो यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ये क्योंकि ये स्ट्रेट रहता है तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। इतना भी नहीं लगता कि मैं इसको वेयर नहीं कर सकती, बट हाँ, क्योंकि ये पॉइंट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। तो ये ओके, जो सेकंड मैंने लिए हैं वो है शूज। सो ये वाइट एंड कलर है। सो मैंने ये वाला पेयर शूज का ऑर्डर करा है, ये वाइट एंड कलर है एंड इसका प्राइस है 699 रुपीज मैंने पे करा है। इसमें ना आपको आई थिंक 6 to 7 कलर अवेलेबल हैं, तो आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। सो मैंने वाइट लिया जिसमें बेसिक सा ग्रे एंड ब्लश पिंक कलर की डिटेलिंग करी हुई है बीच बीच में। तो मेरे पास एक प्लेन वाइट शूज है, बट मुझे लगा कि ये बेसिक होते हैं ना, ये थोड़ा सा ऐड कर देता है आपके आउटफिट में, थोड़ा पॉपअप कर देता है। सो ये इस तरीके के अच्छे लगते हैं जिसमें ऐसे छोटी छोटी डिटेलिंग्स करी हो। बट गाइस, मैंने ना 699 रुपीस पे करी है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मुझे फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं साइड पे किधर लगा दूंगी इमेज ताकि आपको अच्छे से दिखे कि मैं फिनिशिंग वगैरह क्या बात कर रही हूँ। तो क्या इसमें जो यहाँ से ना आई डोंट नो व्हाइट कलर पे ये थोड़ा वैसा हो रहा है, बट ठीक है, मैं थोड़ी क्लिप वगैरह लगा दूंगी तो मुझे यहाँ से इनका कलर वगैरह सा उतर रहा है। फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी टॉप नॉच नहीं है जितनी 699 दे रहे हैं यार, कम ऑन, है ना। 700 रुपीज़ में अच्छी क्वालिटी डिजर्व करते हैं। जो ये वाला एरिया है ना शूज का, ये थोड़ा सा मैला लग रहा है मुझे, तो आई थिंक किसी ने लेके वापस करा हो, आई डोंट नो। बट लुक तो इसका स्मार्ट है गाइस, सो ऑफ कोर्स मैं एक्सचेंज कराने का सोच रही हूँ। अब ये वाला पार्ट देखो, ये बहुत स्मार्ट लुक दे रहा है, ये एकदम फ्लैट नहीं है एंड थोड़ा सा कर्वी सा डिजाइन सा बना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको डेफिनेटली एक्सचेंज करवाने वाली हूँ एंड इसका प्राइस मैंने बता दिया 700 रुपीज, राइट। ओके, तो इस तरीके के बॉक्स में मुझे एक और रिसीव हुई थी, तो तो मैंने ये बाटा के सैंडल्स ऑर्डर करे थे मेरी मम्मा के लिए। इसमें आपको दो कलर अवेलेबल हैं, एक आई थिंक
वाइन कलर है एंड एक ब्राउन कलर है। मैं वाइन कलर सोच रही थी लेने का बट वाइन कलर आउट ऑफ स्टॉक थे, सो फिर मुझे मैंने ये ब्राउन वाला ऑर्डर कर लिया। इसमें गाइस बहुत कंफर्टेबल है एंड जो इसका सोल है, डेली वेयर में अगर आपको कुछ अच्छा सैंडल वैंडल चाहिए जिसमें हल्की सी हील भी हो तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। यहाँ पे आपको इतनी चौड़ी जो बॉर्डर है वो ब्राउन कलर की मिल रही है एंड यहाँ पे नग लगा रखे हैं, नग की क्वालिटी अच्छी है। आई डोंट थिंक कि ये उतरेंगे बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्टी एट साइज या फिर 5 UK। तो इसमें एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे ना आप देख सकते हो यहाँ पे डिजाइन सा फ्लावर और समथिंग लाइक कुछ तो बना हुआ है, बट जो साइड में पिक्चर थी उसमें नहीं बना हुआ था, बट आई डोंट माइंड एंड एज सच कुछ नहीं है जो हम ये मैं एक्सचेंज या रिटर्न कराए। क्वालिटी वगैरह अच्छी है, पहना हुआ लुक भी अच्छा देता है एंड कंफर्टेबल है, डेली वेयर में है, थोड़ी सी हील भी है, और क्या चाहिए। तो मैंने ये 5 UK लिया बिकॉज ये मेरी मम्मा का साइज है, सो या ओके। तो मैंने ना जब लिया था तो 596 रुपीज़ था इसका एंड अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो अभी इसका प्राइस 300 समथिंग कुछ हो गया है। सो अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो और आपको ये पसंद आ रही है तो फटाफट से ले लेना, ठीक है। थर्ड मैंने ये वाले ऑर्डर करे थे गाइस, जितने भी सॉरी ना बॉक्स वगैरह ओके, जो भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ ना सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एज वेल माय होल स्टोर का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय द वे गाइस, मैं ना इंस्टाग्राम पर भी हेयर स्टाइल, हेयर केयर एंड यू नो मेकअप फन वगैरह से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ, सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो काफी कुछ मिस कर रहे हो, तो जल्दी से फॉलो कर लो, वीडियो को पॉज करो, फॉलो कर लो, लिंक जो दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं ओके। लास्ट मैंने ना एलन वॉकर करके ऐसे कुछ वॉक या वॉकर करके कुछ ब्रांड है, उसके मैंने लोफर्स ऑर्डर करे थे, तो ये इसमें मुझे मिला है। गाइज इस वाले में ना आई थिंक 7 to 8 कलर अवेलेबल थे, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, टैन, आई थिंक येलो, आई डोंट नो रिमेम्बर, वाइट कलर भी था आई थिंक। तो मैंने ना टैन कलर ऑर्डर करी है बिकॉज मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था एंड ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आगे की तरफ ना डिटेलिंग करी हुई है और ये हाथ लगाने पे थोड़ा सा यू नो महसूस हो रहा है, फील कर सकती हूँ मैं एंड ग्लोसी सा लुक है जैसे कि आप देख रहे हो, शाइन। एंड आई थिंक अगर ये खराब हो, अगर मिट्टी मिट्टी लगे तो कपड़ा मारने से आई थिंक ये साफ हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको यू नो चैन काइंड ऑफ लुक दे रखे हैं, आजकल जो ये चैन है ना उसके इयर रिंग्स वगैरह भी बहुत चल रहे हैं ओके सॉरी ओके। तो ये भी मैंने 4 UK में लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहना हुआ भी कंफर्टेबल है, लुक वाइज भी अच्छा है। अच्छा इसको ले जो मैंने ऑर्डर कर दिया ना उसके बाद मैंने पढ़ा कि जो सेलर इसको सेल कर रहा था उन्होंने ही वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका जो सा भी साइज है आप उससे एक साइज बड़ा ऑर्डर करना ताकि आपको अच्छे से फिट आए। बट गाइस मैंने एज यूजुअल पढ़ा ही नहीं था पहले, तो मैंने 4 UK में ही इसको ऑर्डर कर दिया था, यानी कि 37 नंबर ना, लेकिन क्योंकि मैंने सेम साइज ही ऑर्डर किया था बट आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था, बिकॉज मुझे तो मेरा साइज ही परफेक्टली फिट आया। तो आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कि एक साइज बड़ा का कोई दुख है। तो यहाँ पे बैकलेस शेप है, यानी कि यहाँ पे आपको या ना इलास्टिक या कुछ ग्रिप के लिए कुछ नहीं है, सीधा बस यूं वेयर करना है। लाइट वेट, ये वाला भी लाइट वेट है। ओके गाइज, सो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज के लिए। समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय, टेक केयर।